10th या 12th में फेल स्टूडेंट अब मात्र 30 दिनों में होंगे पास। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आपके भी 10th या 12th में कंपार्टमेंट आ गए हो या फेल हो गए हो, या फिर अगर आपका कोई जानने वाला फेल हो गया हो, तो वो अब मात्र 30 दिनों में पास हो सकता है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपके भी इस साल 10th या 12th में कंपार्टमेंट आ गए हो एक दो या कई सब्जेक्ट्स में, या फिर आप फेल हो गए हो, या फिर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो कि आपके नंबर काफी कम आ गए हो और आप अपने नंबर को इम्प्रूव कराना चाहते हो, और आपके पास अब पूरे साल पढ़कर पूरे साल को वेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो आपको अब बिल्कुल परेशान निराश होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि अभी भी आपके पास एक मौका है जिसमें आप मात्र 30 दिनों में एग्जाम देकर रिजल्ट पा सकते। तो स्टूडेंट, अगर आपने भी CBSE, ICSE, IB या फिर किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की हुई है और आपके भी कंपार्टमेंट आ गए हो या फिर आप फेल हो गए हो, तो अभी भी आपके पास एक मौका है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का। जी हाँ, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का। तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, ये टर्म आप सभी के लिए बिल्कुल नया है, लेकिन NIS ऐसे बच्चों के लिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो पहले समझेंगे NIS के ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का मतलब। तो इसका मतलब सिंपल है स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है तो वो NIS के इस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के माध्यम से मनचाहे डेट सेलेक्ट करके और उस डेट पर वो अपने एग्जाम दे सकता है एक महीने के अंदर, और मात्र 45 डेज में यानी कि 45 दिनों में अपने रिजल्ट पा सकता है। यानी कि कोई भी फेल स्टूडेंट हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, मैटर नहीं करता आप कहां से हो, किस स्टेट से हो, आप कहीं से भी NIS के इस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में फेल होने के तुरंत बाद डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो और विद इन 1 month में अपने एग्जाम दे सकते हो, और उसके जस्ट एग्जाम के जस्ट 45 डेज बाद आप रिजल्ट पा सकते हो। तो इस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने होते हैं। अगर आप मात्र 1 या 2 सब्जेक्ट में ही फेल हो, लेकिन फिर भी आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं एग्जाम के लिए। चाहे तो आप 5 सब्जेक्ट भी डायरेक्ट चूज करके एग्जाम दे सकते हो, चाहे तो आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट भी चूज करके एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने 3 सब्जेक्ट चूज किया है तो बाकी के 2 सब्जेक्ट आपके पिछले बोर्ड से ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि आपको TOC कराना होगा। TOC के लिए स्टूडेंट मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें आपको मैं समझाऊंगी कि कैसे अगर कोई स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट में एडमिशन लेता है तो बाकी के 2 सब्जेक्ट के लिए वो TOC अप्लाई कर सकता है। तो स्टूडेंट, आप कुछ इजी प्रोसेस और कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ NIS के ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इस एग्जामिनेशन के लिए आपको NIOS बुक्स प्रोवाइड नहीं कराता है, जैसा कि पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए कराता है, और ना ही इस एग्जामिनेशन में कोई TMA या असाइनमेंट्स होते हैं और उसके मार्क्स मिलते हैं। इसमें आपको डायरेक्टली थ्योरी एग्जामिनेशन और अगर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अलग उस सब्जेक्ट के देने होंगे। स्टूडेंट, इस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में पास होने की एक सिंपल क्राइटेरिया है, आपकी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको उस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में अलग 33% से पास होना होगा और थ्योरी के अलग 33% से पास होना होगा, तब जाकर आप कहीं इस एग्जामिनेशन में पास हो पाओगे। और स्टूडेंट, अगर बात करें इसके सिलेबस को लेकर, तो इसका सिलेबस भी CBSE या किसी अदर स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बाकी मैं इसके सिलेबस और एग्जाम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर एक वीडियो लेकर आऊंगी, जो आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में और अच्छे से गाइड करेगा। स्टूडेंट, अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है NIS बोर्ड या फिर BVOS बोर्ड से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।